गोपालगंज की भलाई के लिए, बिहार की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए इस वीडियो को कोने कोने तक शेयर करें, ताकि सभी लोग काम सीखें और सभी लोग काम पे लगे और हमारे देश भारत से बेरोजगारी नाम का शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस वीडियो को कोने कोने तक शेयर करें प्लीज। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतीश चौहान है, मेरे पिताजी के नाम श्री रामनाथ चौहान है, मैं बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ओमान में रहते हैं, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था कि मोबाइल क्रेन ऑपरेटर का कर लो, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और ब्राइट है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है इसमें। मुझे किसी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर का तलाश था जो मुझे वेलफेयर इंस्टीट्यूट मिला। यहाँ पर मुझे थ्योरी और प्रैक्टिकल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और यहाँ पर क्रेन खुद हाथ में मिलता है चलाने के लिए, बाकी इंस्टीट्यूट की तरह नहीं। ये सर का खुद का क्रेन है 50 टन का। जैसा मैं सुना था वेलफेयर इंस्टीट्यूट के बारे में, मुझे यहाँ आने के बाद उससे अच्छा और बेहतर क्लास और थ्योरी मिला और प्रैक्टिकल मिला, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। थ्योरी वाले सर की बात करें तो वो ऐसा पढ़ाते हैं जैसा कि उस थ्योरी मतलब घोर के पिला देते हैं। इतना अच्छा सब समझाते हैं और इतना अच्छा डायग्राम बना बना कर समझाते हैं, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सर का पढ़ाने का तरीका और स्टाइल इतना निराला है कि सर मैं अब पूरा संतुष्ट हूँ उनके थ्योरी से। सर मुझे विश्वास अपने आप पर हो गया है कि मैं किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया। यह कॉन्फिडेंस उनकी अच्छी ट्रेनिंग और थ्योरी की वजह से मुझे मिला है। थ्योरी वाले सर डायग्राम बना बना कर एक छोटी से छोटी बात पर अमल करते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं, इससे मैं बहुत आज संतुष्ट हो गया हूँ कि मुझे थ्योरी क्लास बहुत बेहतरीन मिला है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी थ्योरी मिल जाने से कोई अच्छा ऑपरेटर नहीं बन सकता है। उस वक्त तक जब तक आपके हाथ में खुद क्रेन ना मिल जाए, तब तक आप अच्छे क्रेन ऑपरेटर नहीं बन सकते। मुझे गर्व है कि मैं वेलफेयर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और मैं यहाँ पर बहुत संतुष्ट हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैं प्रैक्टिकल पर पहला दिन गया तो सर ने अपने हाथों से मेरा हाथ पकड़ाकर चलाना सिखाए और उसके बाद मैं खूब अच्छा ट्रेंड हो गया तो सर मेरे हाथ में खुद क्रेन दे देती हैं चलाने के लिए। यहाँ के जो ऑपरेटर सर हैं वो खुद हाथ पकड़ पकड़वा कर क्रेन चलाना सिखाते हैं। वो 18 साल विदेश में रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज जो हम लोग को बहुत मदद करता है क्रेन ऑपरेटिंग करने में। आज मैं इतना ट्रेंड हो चुका हूँ कि एक क्रेन देख रहे हैं ये मैं खुद से चला रहा हूँ। मैं वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर से इतना संतुष्ट हूँ, मैं सब स्टाफ को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। यहाँ का मैम का व्यवहार बहुत अच्छा है। जब तक मैं यहाँ पर रहा मुझे किसी प्रकार के कोई असुविधा का महसूस नहीं हुआ। यहाँ पर सारी चीज अवेलेबल है, सर कराते हैं, सर जाकर हॉस्टल में सब बच्चों का देखभाल करते हैं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि एक आप अच्छा एक ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर ही आए, किसी के बहकाव में ना आए। वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे काम सिखाया भी और जॉब पे लगाया भी। गोपालगंज की भलाई के लिए, बिहार की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए इस वीडियो को कोने कोने तक शेयर करें, ताकि सभी लोग काम सीखें और सभी लोग काम पे लगे और हमारे देश भारत से बेरोजगारी नाम का शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस वीडियो को कोने कोने तक शेयर करें प्लीज़।